हेलो मैम, आपका नाम? अंशु कपूर। आप कहाँ पे रहते हो? आपके बच्चे की उम्र? तो अपने बच्चे के लिए किस तरह का प्ले स्कूल ढूंढ रहे थे? एक्चुअली अभी वो 2.5 ईयर्स का हो गया, बट थोड़ा उसको स्पीकिंग प्रॉब्लम था, तो मैं ऐसा स्कूल चाह रही थी जहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि हाँ हम घर में ही है, वे नॉट आउटसाइड। तो और थोड़ा ज्यादा एफर्ट टीचर्स दें, जो मैं घर पे कर रही हूँ उसके साथ साथ अगर बाहर का भी टीचर का भी सपोर्ट मिलेगा तो वो थोड़ा जल्दी बोलना सीख जाएगा। दैट्स व्हाई। आपने और कोई प्ले स्कूल कंसीडर किए थे? यस, आई सीन टू मोर स्कूल्स, ये DH इंटरनेशनल एंड अदर वन यूरोपियन। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद जिंगादेल, व्हाट आर द टू गुड थिंग दैट यू रियली लाइक? आई लाइक देयर वर्किंग कल्चर, बहुत क्लोज हो जाते हैं बच्चों के वो, और बच्चे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं टीचर्स के साथ में, एकदम फ्रेंडली। और मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन भी वो रोया हो, फर्स्ट डे से एकदम हैप्पीली रेडी हो जाता है और एकदम गेट पे आते ही बैग वैग लेके, मतलब ही फील हैप्पी। और भी कुछ बेहतर किया जा सकता है यहाँ पे? आई लव ऑल थिंग्स। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, अगर आपको जिंगल बेल को रेट देना तो आप क्या रेटिंग देंगे? 1 सबसे कम, 5 सबसे ज्यादा? आई विल गिव 5, बिकॉज यहाँ आने के बाद मुझे अपने बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, वो स्पीकिंग प्रॉब्लम जो भी थी वो ठीक हो रही है। इट विल टेक टाइम, बट टीचर्स की तरफ से अच्छा एफर्ट नजर आ रहा है। थैंक यू।